Hello students, today we learn about the orbital velocity. First we see the definition of orbital velocity. Orbital velocity is the velocity at which a body revolves around the other body. Other body means it may any type of body, मतलब ये हम मान सकते हैं भी जैसे कोई हमारी सेटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है, तो ऐसे हो सकता है भी अदर बॉडी में भी एक सेटेलाइट हो, मैन मेड सेटेलाइट, या फिर हो सकता है जैसे आर्टिफिशियल सेटेलाइट की जगह में नेचुरल सेटेलाइट जैसे मून है जो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो उसको वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रोटेशन अराउंड द प्लैनेट, दैट इज़ नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे मैंने मान ली यहाँ पर कोई प्लैनेट है तो वो यूं यूं घूम रहा है, तो इसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए रोटेट करने के लिए, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मोशन यूनिफॉर्म ही होता है अराउंड द अर्थ, आर कॉल्ड टू बी इन ऑर्बिट। ठीक है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं जिस पाथ पे वो रोटेट करता है। द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर कोई सेटेलाइट घूम रही है, तो अगर इस इधर कोई सेटेलाइट घूमेगी तो उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए रोटेट होने के लिए। ठीक है, तो ये सर्टन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर देगी। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, अर्थ के सेंटर के और ये सेटेलाइट के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, इसके बेस पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले लॉन्च देखते हैं भी ऑर्बिटल वेलोसिटी में जब लॉन्च करना है सेटेलाइट को तो कैसे करना है। सपोज़ मैंने मान लिया यहाँ से मैंने इस पॉइंट से सपोज़ एक सेटेलाइट लॉन्च की जिसकी वेलोसिटी कम थी, तो वो कुछ लॉन्च करने के बाद अर्थ को अट्रैक्ट कर गई, अर्थ पे फॉल हो गई। अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा दिया मैंने तो वो शायद इधर आ गई, फिर भी अर्थ में फॉल हो गई। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी दे दी तो भी मैंने मान लिया वो अभी भी अर्थ में ही फॉल हो गई। एक कम से कम एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आपने दी जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब आप ये ऑर्बिटल वेलोसिटी दोगे तो ये रेड वाला पाथ ले जाएगी और ये अब अर्थ में फॉल नहीं होगी। तो ये वो वेलोसिटी होती है जब ये जो मास है, जिस जो भी हम सेटेलाइट कह रहे हैं उसका मास, सपोज मैंने एम मान लिया, अर्थ का मास कैपिटल एम मान लिया, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, दैट इज़ आई सपोज स्मॉल आर है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ जी एम एम बाई आर स्केयर, ये फोर्स किस किस के बीच में बताओ, दिस इज द फोर्स बिटवीन सेटेलाइट एंड द अर्थ, इज प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सेटेलाइट, एम इज़ द मास ऑफ सेटेलाइट, एम वी स्केयर बाई आर। तो ये आपको मालूम है, देखो किसी चीज़ ने रोटेट होना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होती है, तो इस मास पे जो फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रही है, तो दिस इज द, मैं कह सकता हूँ भाई इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो कई बार वन मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, मैं पी एंड एन लिख देता हूँ, तो इसके आले दुआले इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये ऐसे क्यों घूमता है, इसमें कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन के कारण एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट होता है। वाइल इन दिस केस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेटेलाइट और अर्थ के बीच में वो प्रोवाइड करती है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। एम ने एम को कैंसिल कर दिया, हम कह सकते हैं दिस वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक आर भी एक आर कट गया, मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी ओ इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। तो हेयर वट इज़ डिस्टेंस आर, अगर मैं बोलूँ आर कौन सा डिस्टेंस है तो वो है आर प्लस एच। देखो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और ये सरफेस से लेके जिस साइड पे सेटेलाइट रोटेट कर रही है वो एच है, यानी जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर प्लस एच है, यानी मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है तो जी एम ओवर आर प्लस एच लिख दूंगा। तो इसके ना फॉर्मेट ही बहुत सारे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के, नंबर ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर, तो मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है रूट जी एम बाई आर, वेयर आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो सर ये तो हमें क्लियर है। तो अभी एक बात बताओ, आपको ये भी मालूम है जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्केयर। हाँ सर ये मालूम है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो
तो ये होता, तो जी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, जी इन टू आर स्केयर, तो इधर डालते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी आर स्केयर, तो सर लिख सकते हैं अपॉन स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर इसके अलावा कोई फॉर्मूला? हाँ बेटा, आप जी एच को लेना तो जी एच लेके जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्केयर भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपको फॉर्मूला मालूम है, यानी जी एम की जगह आप ये आर प्लस एच स्मॉल आर ही होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ जी एम की जगह जी एच मीन्स एक्सीलरेटिंग ग्रेविटी एट हाइट आर, दैट इज हाइट एच, दैट इज कैपिटल आर प्लस एच, तो ये हो गया जी आर जी एच आर स्केयर, यानी मैं इसको बोल लूँ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं, जी एम की जगह लिखा जी एट हाइट दैट इज आर स्केयर अपॉन आर, ये आर आर ने कैंसिल कर दिया, तो देयर नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर। तो अभी एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को जब हम कई बार एस्केप वेलोसिटी से रिलेट करते हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, वो ये वाला फॉर्मूला हमने क्या लिखा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट जी एम बाई आर, तो आर की जगह मैंने लिख दिया आर प्लस एच, तो मैंने मान लिया ये अर्थ है और इसके आले दुआले जो सेटेलाइट रोटेट हो रही है वो मान लिया ये सेटेलाइट रोटेट हो रही है, और ये जो हाइट है ना ये आर से कंपेरेटिवली बहुत कम है, यानी मैं कह सकता हूँ जो आर प्लस एच है वो नियरली इक्वल है आर के, क्योंकि एच बहुत ज़्यादा कम है। जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक घूमेगी तो हम आर प्लस एच को आर ही ले लेंगे, यानी आर प्लस एच स्मॉल आर होता है, क्योंकि मैंने स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर ले लिया, क्योंकि मैंने हाइट बहुत छोटी मान ली, तो जब मैं हाइट को निगलेक्ट कर दूंगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला रूट जी एम बाई कैपिटल आर आ जाएगा, ये अजम्पशन है, एक्चुअल फार्मूला रूट जी एम बाई स्मॉल आर ही होता है, क्योंकि स्मॉल आर होता है आर प्लस एच, अगर हाइट बहुत छोटी है तो आर इक्वल टू आर होगा। तो हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मालूम है सर, रूट टू जी एम बाई आर, तो ये उसमें कैपिटल आर आता है, तो अगर इन दोनों को देखें तो देखो रूट टू का फ़र्क है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, एस्केप वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ रूट टू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर स्मॉल हाइट्स, दिस इज द रिलेशन ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स नॉट फॉर लार्ज हाइट्स, ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये आपने करना है। इसके साथ कई बार हाइट ऑफ सेटेलाइट या टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, तो जल्दी से देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया भाई अर्थ, ये अर्थ है ठीक है, इसके आले दुआले सेटेलाइट रोटेट कर रही है, दैट आई सपोज ये मैंने सेटेलाइट मान ली यहाँ पर, तो सेटेलाइट का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो आई सपोज ये सेटेलाइट है, तो ये सेटेलाइट है, तो ये सेटेलाइट इस तरफ घूम रही है, चलो तो ये सेटेलाइट इसके आले द्वारा रोटेट हो रही है इसके अराउंड, देन ये मैं कह सकता हूँ इसको जो ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर इसका, ये देखो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, ये है h, वो हाइट h है, दिस हाइट इज h, सर दिस इज r, ओके, तो जब इसने रोटेट होना, बताओ इसको समय कितना लगेगा, पहले एक बात और, टाइम पीरियड आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 2π, इसको r प्लस h को स्मॉलर लेते हैं, दिस इज वेलोसिटी कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी, चलो सर ये पता लग गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ दिस वन, पूरी रोटेशन को कितना टाइम लगेगा, चलो सर समझ में आ गया। अभी इसकी वैल्यू एलिमिनेट करनी है जल्दी, अभी t इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2πr, वीओ का फॉर्मूला था रूट जी एम बाई आर, तो रूट का r ऊपर चला गया, चलो सर ये ठीक है, अब रूट का r ऊपर चल गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2π, रूट को अंदर खिलाओगे तो ये r क्यूब हो जाएगा अपॉन रूट जी एम, चलो सर ये भी ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ रोटेशन, तो सर आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन रिप्लेस आर इक्वल टू आर प्लस एच, चलो सर ये कर देते हैं, तो ये आ गया टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है, ओवर कितना आ गया, दैट इज रूट जी एम। तो देर आर नंबर ऑफ वेज टू चेंज दिस इक्वेशन, पहले यहाँ तक याद हो गया, अभी आपने क्या करना है, सर ने नहीं करना ये, आपने क्या करना है, जी एम की जगह जी एम बाई आर स्केयर कितना होता है, जी होता है, तो ये आप सबको मालूम है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जी एम की जगह क्या लिख देना, सर जी आर स्केयर कर देना, और मैंने यहाँ पर जी एम की जगह जी आर का स्केयर डाल देना, और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालनी है हाइट ऑफ सेटेलाइट, दिस इज योर होमवर्क, कुछ नहीं है बेटा, क्रॉस करना है, इसमें कौन सी खास बात है, जस्ट क्रॉस इट एंड कैलकुलेट इट, ओके, इसको करके भेजो मुझे।